हाँ जी, आप प्रणाम, आइए ना, अंदर आइए ना। बैठिए। मैं तुमसे सौदा करने आई हूं। सौदा? कैसा सौदा माँ जी? जिसलिए तुम दोबारा नीलिमा से रिश्ता जोड़ना चाह रहे हो, उसी का सौदा करना चाहती हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। ये ब्लैंक चेक है गौतम, अपनी जरूरत और मर्जी के हिसाब से रकम भर दो। बस एक वादा कर लो कि तुम आज के बाद नीलिमा से नहीं मिलोगे। ऊपर वाले के घर में देर है मगर अंधेर नहीं। देखा, दौलत सामने से चलकर खुद ब खुद आई है झोली में। माँ जी, जिसकी उम्मीद की थी मैंने, उसे आप सामने ले आए। तो क्या कीमत लगाई उसने नीलिमा की? आरुषि, बताओगी भी क्या कीमत लगाई उसने? मौसा जी ने 11 रुपए विड्रॉ किए। मुझे आपसे सिर्फ शगुन चाहिए था माँ जी, और वही स्वीकार किया मैं। बार जो तुमने हम सबके साथ किया था, उसके बाद आज तुम्हें आजमाना जरूरी था, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। ठहरो, अठारह साल पहले नीलिमा के लिए फैसला आपने लिया था ना, और वो आज तक भुगत रही है। और आज फिर से वो गलती दोहराना चाहती है। दीदी, तू चुप कर चुकी, बड़ी बहन हूं तुम्हारी, समझती हो? मां, ये आप क्या? नहीं आरुषि, रुक जा, इसे समझाने की जरूरत नहीं है। नीलिमा की बड़ी बहन है ये, मुझसे ज्यादा इसका रिश्ता है नीलिमा के साथ। मैं तो सिर्फ नीलिमा की बड़ी बहन की सास हूं। बस इतना ही रिश्ता है मेरा। भूल गई थी मैं, तो नर्मदा ने याद दिला दिया।
सारी मां।